है वेलकम यूट्यूब फैमिली, फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पास। तो आज हम जो बात करेंगे वो पांच ऐसी बाइकें बताएंगे हम आपको जो कि 2.5 लाख के अंदर सबसे बेहतरीन नेकेड बाइक होने वाली है। तो आप भी परेशान हो ढूंढ ढूंढ के कि 2,50,000 के अंदर कौन सा बाइक लेनी चाहिए, तो ये पाँच बाइकें जो मैंने लिस्ट में रखी है सबसे बेहतरीन पावर और लुक में होने वाली है। तो समय को ना ज़्यादा गंवाते हुए हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल फर्जी राइडर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों जो भी आज पाँच बाइकें मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे दमदार बाइकें होने वाली है, इंडियन मार्केट में सबसे बेस्ट बाइक होने वाली है, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा अपनी दबदबा भी बना के रखी हुई है। तो पहले नंबर हम जिस बाइक की बात करेंगे वो होने वाली है KTM की ड्यूक 250, जो कि बहुत ही जबरदस्त बाइक है पावर के मामले में, लुक के मामले में और सबका फेवरेट। तो इस बाइक की खासियत है इसकी पावर, जो कि है कम वेट के साथ जो पावर देती है ना, बहुत ही अच्छी बाइक है ये। तो इस बाइक के अगर कुछ हेडलाइट्स की अगर हम बात कर लें, हाईलाइट्स अगर कुछ हम बात कर लें, तो ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी LED लैंप्स के साथ, आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही USD फॉग मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ ये बाइक आपको डुअल चैनल अभी ABS भी ऑफर करती है। और पावर की अगर हम बात करें 29.6 BHP पावर के साथ 9000 RPM के साथ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी 150 प्लस आपको हाईवे में इजीली मिल जाएगी अगर आप अच्छे से इसको अगर भगाओगे। ये बाइक ही बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ है, इसमें आपको लुक में कोई चीज़ में कमी नहीं मिलेगी। और तो सेकंड नंबर बाइक की अगर हम बात करें वो है बहुत ही बड़ी कंपनी सुजुकी का जिक्सर 250। ये बाइक भी बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ है, देखा जाए तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए बाइक बहुत ही पसंदीदा होने वाला है, क्योंकि ये लुक में आपको बहुत अच्छी ऑफर करती है। साथ ही साथ इसके अगर कुछ हाईलाइट्स की अगर हम बात कर लें तो ये आपको मिल जाएगा LED हेडलाइट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। और पावर की हम अगर इसकी बात कर लें तो 26.13 BHP के साथ 9300 RPM देखेंगे मिलेगी आपको, और साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आपको ये बाइक इजीली 130 प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करती है आपके राइडिंग पे, जैसा आप राइड करोगे वैसे ही आपको स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरे नंबर हो गया। तो तीसरे नंबर बाइक की अगर हम बात करें तो वो है होने वाली हस्करना की स्प्लिट पिलियन 250। ये बाइक भी कहीं ना कहीं एक न्यू सेगमेंट, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इसकी बाइक की जो लुक है ना आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिल रही होगी। आप जैसे देख रहे हो डिस्प्ले में, आप स्क्रीन में देख लो आपका इसी बाइक का लुक कैसा रहेगा, एकदम बड़ा ही अलग यूनिक टाइप का, एकदम देखने में बहुत अच्छा है बाइक। मगर जो भी बोलो आप सामने से देखोगे आपको बाइक बहुत पसंद आएगी। आपको इसमें USD फॉग मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको चैनल भी, आपको डुअल चैनल ABS भी इसमें ऑफर की कंपनी। और इसमें अगर पावर की अगर हम बात करें तो LED हेडलाइट के साथ भी LED हेडलाइट आता है बैक में भी और फ्रंट में दोनों में भी। तो इसकी अगर हम अगर बात करें इसकी पावर की, तो ये पावर आपको 29.63 BHP के साथ 9000 RPM आपको प्रोड्यूस कर देगी। साथ ही साथ इसकी अगर टॉप स्पीड की अगर हम बात कर ले तो ये आपको 145 किलोमीटर आराम से इजीली आपको हाईवे में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब चौथे नंबर बाइक की अगर हम बात करें वो होने वाली बजाज की डोमिनर 400, जो कि बहुत धमाकेदार बाइक है। जैसा कि इसका एंट्री आपने देखा वैसे ही बाइक भी है। ये बाइक आपको टूरिंग के लिए पर्पज़ के लिए, टूरिंग पर्पज़ के लिए और लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेस्ट बाइक होने वाली है। ये बाइक जिस प्राइस रेंज में जैसा आ रहा है, जो आपको लुक दे रही है, जो आपको पावर दे रही है, कहीं ना कहीं जस्टिस करती है। तो इस बाइक में भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगी, और ये ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक होने वाली है। तो इस बाइक की अगर हम पावर रेशियो की अगर हम बात करें तो ये बाइक आपको देखने को मिलेगी 39.42 BHP के साथ 8800 RPM के साथ, और टॉप स्पीड की जहां तक हम बात करें ये बाइक आपको 160 प्लस इजीली मिल जाएगी। तो इस लिस्ट की अगर लास्ट बाइक की अगर हम बात करें तो वो बाइक होने वाली है CF मोटो, जो कि एक अलग ही कंपनी है, CF मोटो 300 NK। ये नेकेड बाइक में ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। बहुत ही कम लोग इस बाइक के बारे जानते होंगे, क्योंकि ये बाइक मार्केट में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके लिमिटेड शोरूम है, हर जगह इसकी शोरूम आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो दोस्तों अगर ये बाइक भी आप लेना चाहते हो तो इसके शोरूम में आप विजिट कर सकते हो। और इस बाइक के अगर कुछ हम हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाएगी, और USD फॉग भी आपको देखने को मिलेगी इसमें, और साथ ही साथ डुअल चैनल ABS भी कंपनी ऑफर करती है। और पावर की जहाँ तक बात कर ले 27.49 BHP के साथ 8750 RPM के साथ आपको ये देखने को मिलेगी, और टॉप स्पीड की जहाँ तक हम बात करें ये बाइक आपको इजिली 135 प्लस की स्पीड आपको हाईवे में दे देगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फर्जी राइडर को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे कि आपको जैसे भी नया वीडियो आए आपके पास वो तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।